सबसे पहले अगर हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में, तो इवोल्यूशन की थ्योरी किस किस साइंटिस्ट के थ्रू दी गई थी इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इवोल्यूशन की थ्योरी जो है दैट इज़ लेमार्क एंड डार्विन के थ्रू देखी गई थी। बट वेरी ऑब्वियस किसी एक की ही थ्योरी सेलेक्ट हो पाई बिकॉज लेमार्क की थ्योरी में मेनली साइंटिफिक एविडेंसेस की कमी थी, जिसकी वजह से बाद में डार्विन की थ्योरी को इम्पोर्टेंस दी गई। तो सबसे पहले हमारा जानना ज़रूरी है कि लेमार्क की थ्योरी क्या कहती थी। सो लेमार्क की थ्योरी को हम लेमार्किज्म भी कहते हैं। इसे हम थ्योरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ कहते हैं, एज वेल एज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। यानी सीधी सी बात है, अगर किसी ऑर्गन का, बॉडी ऑर्गन का अगर बार बार यूज़ हो तो वो मॉडिफाई होगा, लेकिन अगर उसका यूज़ ना हो जाए तो वो डिसयूज़ हो जाएगा, मतलब उसकी कोई फंक्शनिंग नहीं रह जाएगी। अगर हम बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर की, तो ऐसे कैरेक्टर जिसको कि हमने एक्वायर किया है वो इनहेरिट हो सकते हैं अगर वो जेनेटिक लेवल पे फिक्स हो चुके हैं। तो लेमार्क की थ्योरी यहाँ पे मेनली चार पॉइंट से डील करती है। पहले पॉइंट में ये कहा गया था कि कैरेक्टर के जो चेंजेस है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर के थ्रू इन्फ्लुएंस होते हैं। यानी इन्वायरमेंट मजबूर करता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरेक्टर को चेंज करने के लिए, और वो कैरेक्टर इनहेरिट होकर नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है। और अकॉर्डिंग टू द लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, द सराउंडिंग इकोलॉजिकल कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग कॉजेज इट टू हैव सर्टेन नीड्स। और जिस इकोसिस्टम में या इन्वायरमेंट में वो ऑर्गेनिज्म रहता है, वो इन्वायरमेंट उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक नीड क्रिएट करती है चेंज के लिए। बिकॉज अगर इकोसिस्टम चेंज हो रहा है और अगर एक ऑर्गेनिज्म चेंज ना हो तो वेरी ऑब्वियस उसका एक्सटिंक्शन वहाँ से हो जाएगा। अगर इस चेंज को, दैट इज जो चेंज इन्वायरमेंट कॉज कर रहा है, उस चेंज को करने के लिए, उस नीड को फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर टाइम टू टाइम खुद को मॉडिफाई करते रहना पड़ता है। या तो वो नए ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है, या तो वो पुराने ऑर्गन या एग्जिस्टिंग ऑर्गन को मॉडिफिकेशन करके न्यू कैरेक्टर को गेन करता है। मेक श्योर यहाँ पे जितने भी, इफ़ देर इज़ अ कंटिन्यूस यूज ऑफ दिस न्यू ऑर्गन, यानी मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म ने इन्वायरमेंट में चेंज आने के कारण कुछ न्यू ऑर्गन का अपने बॉडी में फॉर्मेशन किया है, तो अगर उस ऑर्गन का लगातार इस्तेमाल होता रहे, लगातार यूज़ होता रहे, तो वो ऑर्गन मॉडिफाई होता रहेगा। लेकिन अगर कोई नया ऑर्गन है और उसका रेगुलर बेसिस पे यूज़ ना हो, तो कुछ टाइम बाद वो ऑर्गन नॉन फंक्शनल हो जाएगा। तो ये कहना था लेमार्क का, और इसे हम लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, कि कौन कौन से एग्जाम्पल को देकर लेमार्क ने अपनी बातों को सपोर्ट किया था, तो उन्होंने केव फिश का एग्जाम्पल दिया था। ये बोला गया था कि जो केव फिश होती हैं वो मेनली ब्लाइंड होती हैं, बिकॉज उनके एंसेस्टर स्टार्टिंग से ही केव एरिया में रहते हैं, जिसके कारण वो अपने आइज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आइज़ बॉडी का ये एक ऑर्गन हो गया जिसको कि लगातार इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये कहना था लेमार्क का, आज बिकॉज केव फिश ने लगातार अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए आज के टाइम में जितने भी केव फिशेस होती हैं वो ब्लाइंड होती हैं, बिकॉज उनके एंसेस्टर ने उनका, सॉरी उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे, पहले फैमिली मेम्बर्स थे, उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से वो जो सेल्स हैं या वो जो जीन्स हैं जो कि आइज को प्रॉपरली काम करने में, लेंस बनाने में हेल्प करती हैं, उनका डीजनरेशन हो गया। और वो डीजनरेट हो गई, तो वही डीजनरेटेड जीन जो है हर एक दैट इज ऑफस्प्रिंग में, हर एक जनरेशन में ट्रांसफर होता रहा, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आज के टाइम में जितने भी केव फिशेस मिलती हैं वो मेनली ब्लाइंड होती हैं। नेक्स्ट इन्होंने एग्जांपल के लिए रखा था, दैट इज जिराफ का नेक। इन्होंने लेमार्क ने ये कहा था कि एक एरिया में जो है दैट इज जिराफ रहा करते थे, जब छोटे छोटे से प्लांट्स मेनली एक्सटिंक्ट हो गए, या फिर छोटे छोटे से प्लांट जब ख़त्म हो गए, तो सिर्फ बहुत जो टॉल ट्रीज थी वही वहाँ पे बाकी रह गई। तो जिराफ को क्या करना पड़ा, जिन जिराफ ने अपने नेक का एक्सरसाइज किया, यानी जिन जिराफ ने अपने नेक को एक्सरसाइज करवा के, एक्सरसाइज करके टॉल ट्री पर जाकर फीड किया, उनके नेक लॉन्ग हो गए, और जो जिराफ ऐसा नहीं करना चाहते थे उनके नेक जो है शॉर्ट ही रह गए। ठीक है, वो इस तरीके से उन्होंने बोला कि नेक का जिसने इस्तेमाल किया वो नेक जो है आज के टाइम में मॉडिफाइड होकर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग बन चुका है, और धीरे धीरे करके जो है, मतलब उनका ये कहना था कि जो जिराफ थे वो स्टार्टिंग में लॉन्ग नेक इसलिए कर पाए वो, क्योंकि उन्होंने अपने नेक का धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया, और आज के टाइम में जो जिराफ है उनके पास लॉन्ग नेक पाई जाती हैं। ये कहना था लेमार्क का, यानी समा वो हर तरीके से इसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे कि बॉडी का कोई ऑर्गन जिसको इस्तेमाल ना करो तो वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, और जिसको लगातार इस्तेमाल करते रहो तो फंक्शनल रहता है। बट टू बी वेरी सैड, लेमार्क की कोई भी थ्योरी जो है साइंटिफिक एविडेंसेस से सपोर्ट में नहीं थी, यानी कोई भी साइंटिफिक एविडेंस उनके पास नहीं था अपनी थ्योरी के लिए। इसके बाद डार्विन आए, डार्विन की जितने भी बातें उन्होंने बोली उन सब के लिए उनके पास कोई ना कोई एविडेंसेस था, दैट इज व्हाई इनकी थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया गया। डार्विन ने एक बुक लिखी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज,
और इस बुक में उन्होंने ये कहा कि इवोल्यूशन के पीछे का जो मैकेनिज्म है उसे हम नेचुरल सिलेक्शन कह सकते हैं। और इस ढंग से इन्होंने कहा कि मैक्सिमम स्पीसीज जो है अपने कॉमन एंसेस्टर से जन्म लेती हैं और उनका इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू होता है, यानी नेचुरल सिलेक्शन इज एक्टिंग एज अ मैकेनिज्म बिहाइंड द इवोल्यूशन। तो डार्विन के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा था कि द इनहेरिटेड वेरिएशन दैट इंक्रीज एन ऑर्गेनिज्म चांस ऑफ सर्वाइवल इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन कुछ ऐसे वेरिएशन या कुछ ऐसे कैरेक्टर जो एक ऑर्गेनिज्म के फिटनेस को बढ़ा देता है वो पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है वो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल चांस को बढ़ा देगा, उसके फिटनेस को बढ़ा देगा, और वो पर्टिकुलर कैरेक्टर वो ऑर्गेनिज्म अपने आने वाले ऑफस्प्रिंग में भी दैट इज इनहेरिट करवा सकता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडेप्टेशन। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो एक ऐसा कैरेक्टर जो एक ऑर्गेनिज्म को फिटनेस भी दे रहा है, सर्वाइव भी करवा रहा है, वो कैरेक्टर उसके ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफर होगा, और इसको हम कहेंगे, यानी इस नए कैरेक्टर के गेन की प्रोसेस को हम कहेंगे एडेप्टेशन। एक्चुअल में कहा जाए तो नेचुरल सिलेक्शन जो है एक डिफरेंशियल सर्वाइवल देता है एंड डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन देता है, एंड इट यूज़ टू ऑपरेट ऑन द फिनोटिपिक बेसिस। फिनोटिपिक के बेसिस पे ये ऑपरेट होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन? सीधी सी बात है, जिस ऑर्गेनिज्म के पास ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर है, एडवांटेजियस कैरेक्टर है, वो ज़्यादा जिएगा। ज़्यादा जिएगा मतलब उस ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में जिसके पास डिसएडवांटेजियस कैरेक्टर है, तो इसी के बीच में डिफरेंशिएट हो जाता है, दैट इज वाई वी कॉल इट एज अ डिफरेंशियल सर्वाइवल। अब दैट इज वेरी ऑब्वियस कि अगर जो ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन साइज बड़ा है, वेरी ऑब्वियस वो क्या करेगा, वो ऑफस्प्रिंग भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो उसका दैट इज रिप्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, एंड वी विल बी कॉलिंग इट एज अ डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन टू। तो इस ढंग से डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड दैट इज योर डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन देखा जाता है इन केस ऑफ द नेचुरल सेलेक्शन। जब हम डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को देखते हैं तो इन्होंने सजेस्ट किया था कि नेचुरल सिलेक्शन इवोल्यूशन के पीछे का मैकेनिज्म है। तो नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग टोटल दो फैक्टर होते हैं, एक होता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड द सेकंड इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस? डार्विन का ये कहना था कि जब इन्वायरमेंट अपने इकोसिस्टम में रहता है तो वेरी ऑब्वियस उसको अलग अलग बेसिस पे जो है दैट इज रिसोर्सेज को सर्च करना पड़ता है। जब वो रिसोर्सेज ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं तो उन रिसोर्सेज की टाइम के साथ साथ थोड़ी सी कमी आ जाती है, दैट इज स्कार्सिटी स्टार्ट हो जाती है रिसोर्सेज की। अब उस लिमिटेड रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए बहुत से ऑर्गेनिज्म कॉम्पिटिशन में आते हैं, और बहुत से ऑर्गेनिज्म सेम लिमिटेड रिसोर्स के लिए कॉम्पिटिशन कर रहे होते हैं, और इसे ही हम बोलते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना। सेकेंड इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब हो गया कि ये जो स्ट्रगलिंग हो रहा है वेरी ऑब्वियस उसमें वही सर्वाइव कर पाएगा जो कि फिट होगा, और जो फिट नहीं होगा उनमें से किसी की डेथ हो जाएगी। तो देखा ये जाता है कि वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाता है जिसके पास एडवांटेजियस कैरेक्टर है, और जिसके पास एडवांटेजियस कैरेक्टर नहीं है उनका वहाँ से हो जाता है एलिमिनेशन। इसे हम बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो फिट है वो सर्वाइव करेगा और वही ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पे फिटनेस का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म विद एडवांटेजियस कैरेक्टर। जब हम नेचुरल सिलेक्शन को देखते हैं तो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन के ऑपरेट होने का तीन मेन रीज़न माना जाता है। पहला रीज़न क्या दिया डार्विन ने, कि इन्वायरमेंट में वेरिएशंस पहले से होने चाहिए। ये नहीं है कि नेचुरल सिलेक्शन तभी ऑपरेट होगा जब वेरिएशंस होंगे। तो और नेक्स्ट होगा कि जो वेरिएशंस हैं एक ऑर्गेनिज्म में वो उसके ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफर होंगे, दैट इज इनहेरिटेंस शो करेंगे। पॉपुलेशन का ग्रोथ हाई रेट से होगा। एंड फोर्थ इज डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन किया जाएगा, यानी जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा सर्वाइव करेगा वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, और कौन सा ऑर्गेनिज्म ज़्यादा सर्वाइव करेगा जिसके पास एडवांटेज कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो इसी बात को प्रूव करने के लिए सबसे पहले डार्विन ने एक एग्जाम्पल रखा जिराफ का। तो लेमार्क ने कहा था कि जिराफ की नेक कैसे लॉन्ग हो गई, बिकॉज एक्सरसाइज के थ्रू। लेकिन डार्विन का जो पहला ही कंडीशन था कि वेरिएशन शुड एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट, तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डार्विन ने ये कहा कि जो वेरिएशन था इकोसिस्टम में वो पहले से ही था, यानी लॉन्ग एंड शॉर्ट नेक जिराफ दोनों ही पाए जाते थे इकोसिस्टम में। टाइम के साथ साथ जब खाने की कमी हुई तो सिर्फ टॉल ट्रीज पे लीव्स रह गई, और टॉल ट्री पे लीव्स को वही जिराफ फीड कर पाए जिनके पास नेक लॉन्ग थी, यानी पहले से ही वेरिएशन था। जो शॉर्ट नेक जिराफ थे उनका हो गया वहां से एलिमिनेशन, और किसका सिलेक्शन हो गया, दैट इज लॉन्ग नेक जिराफ का। तो लॉन्ग नेक जिराफ के पास एडवांटेजियस कैरेक्टर क्या था, उसका खुद का लॉन्ग नेक, ठीक है, एंड हेंस उसका यहाँ से सिलेक्शन हो गया। और इसको ही हम कह सकते हैं दैट इज यहाँ पे आपको स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस भी दिख रहा है, एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी दिख रहा है। सिमिलरली जो यहाँ पे डार्विन फिंचेस हैं
उनमें मेनली देखा जाता है अडेप्टिव रेडिएशन का कंसेप्ट, और ये भी नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू ही हुआ था। अडेप्टिव रेडिएशन में ये देखा जाता है कि रेडिएशन का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से इमर्ज हो जाना। तो एंसेस्ट्रल जो थी डार्विन फिंचर्स की, वो मेनली सीड्स पे फीड किया करते थे, और जैसे जैसे वेरिएशन आया, यानी वेरिएशन पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था, जब ज्योग्राफिकल सेपरेशन हुआ, या फिर आप कह सकते हो कि जब ज्योग्राफिकल एरिया में चेंजेस हुए, या फिर ज्योग्राफिकल एरिया चेंज होने के कारण जो डार्विन फिंचेस थी वो अलग अलग एरिया में चली गई, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उस एरिया में जो एडवांटेजेस कैरेक्टर था, उन एडवांटेजेस कैरेक्टर का सिलेक्शन हो गया इन द फॉर्म ऑफ अ डार्विन फिंचेस, और जो वहाँ पे प्रॉपरली नहीं रह सकती थी उनका वहाँ पे एलिमिनेशन हो गया। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि द एडेप्टिव रेडिएशन, इसको कहा जाता है एडेप्टिव रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब होता है एक पॉइंट से इमर्ज होना, डाइवर्ज होना, एंड एडेप्टिव का मतलब होता है, और वो जो डिफरेंसेस हैं वो एडेप्टेशन की वजह से आ रखे हैं। सो द एडेप्टिव रेडिएशन इज द रिलेटिवली फास्ट इवोल्यूशन ऑफ मैनी स्पीसीज फ्रॉम सिंगल कॉमन एंसेस्टर। एडेप्टिव रेडिएशन जनरली अकर व्हेन एन ऑर्गेनिज्म एंटर अ न्यू एरिया एंड डिफरेंट ट्रेट्स अफेक्ट इट्स सर्वाइवल। तो वेरी ऑब्वियस, जब एरिया का सेपरेशन हुआ होगा तो बहुत से डार्विन फिंचेस एक एरिया में गए होंगे, लेकिन उस एरिया में जिसका कैरेक्टर सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होगा, या जिसका कैरेक्टर सबसे ज़्यादा एडवांटेजियस कंसीडर किया गया होगा, वो डार्विन फिंचेस का वहाँ पे सिलेक्शन हो गया और बाकी सबका एलिमिनेशन हो गया। सो वी कैन से दैट कि यहाँ से सिंगल एंसेस्टर से जो डार्विन फिंचेस थी वो चली, लेकिन बाद में जिस न्यू एरिया में उन्होंने एंटर किया, उस एरिया पे जितना भी सिलेक्शन प्रेशर था वो इन डार्विन फिंचेस पे काम किया, और हेंस वी कॉल इट एज अ एडेप्टिव रेडिएशन, बिकॉज ये कॉमन एंसेस्टर से रेडिएट हुई थी। ओके, यू कैन सी हियर कि यहाँ पे दैट इज एंसेस्ट्रल फिंच है, और नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू इनका जब सिलेक्शन हुआ तो जो पर्टिकुलर बीक साइज जिस एरिया के लिए सूटेबल था वो बीक वहाँ पे सेलेक्ट हो गया, जैसे कि इंसेक्ट ईटिंग बीक हो सकता है, वुड पिकर टाइप इंसेक्ट ईटिंग हो सकता है, सीड ईटिंग टाइप बीक हो सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग बीक का वहाँ पर सिलेक्शन हुआ। नेक्स्ट आता है नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, अगर हम बात करें तो यहाँ जैसे मैंने कहा है, नेचुरल सिलेक्शन एक्चुअल में जो है फिनोटिपिक बेसिस पे ऑपरेट होता है, डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, ये कैरेक्टर में चेंजेस लेकर आता है, एज वेल एज आप कह सकते हो कि ये इनहेरिट किया जा सकता है जो भी कैरेक्टर चेंज होगा। इसके लिए दो चार रूल्स हैं कि पहले से ही वेरिएशन इकोसिस्टम में होने चाहिए, एज वेल एज डिफरेंशियल सर्वाइवल होता है, एंड जो भी चेंजेस आते हैं वो हेरिटेबल होते हैं। अब इसको समझाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पे बीटल का तो एग्जांपल होता ही है, जनरल बेसिस पे एक ये एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक एरिया है, आप ये देख सकते हैं, दिस इज अ डार्क एरिया। डार्क एरिया में आपको माउस देखने को मिल रही है दो कलर की, एक है लाइट कलर का, एक है डार्क कलर का। तो अगर बर्ड यहाँ से गुजरती है और इस पर लाइक अपना प्रिडेशन करना चाहेगी, तो वेरी ऑब्वियस उसको जो यहाँ पे माउस सबसे पहले नजर आएगा वो होगा लाइट कलर वाला, तो वो लाइट कलर वाले पे फीड कर लेगी। लाइट कलर वाले पे फीड करेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, दैट इज डार्क कलर वाले का नंबर ज्यादा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सर्वाइव ज्यादा कर रहे हैं। अब ये सर्वाइव कर रहे हैं तो वेरी ऑब्वियस क्या होगा, इनका सर्वाइवल हाई होगा, और जो लो कलर वाले हैं, या फिर सॉरी जो लाइट कलर वाले हैं, उनका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन होना शुरू हो जाएगा। तो एज बिकॉज ये ब्लैक कलर वाले सर्वाइव ज्यादा कर रहे हैं, दैट इज वाई कुछ टाइम बाद इनका नंबर ज्यादा हो जाएगा और लाइट कलर वालों का नंबर धीरे धीरे कम होता रहेगा। इसी को हम कहते हैं दैट इज योर डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। ओके, तो इस ढंग से हमने देखा कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है ये कैसे नेचुरल सिलेक्शन काम करेगा, और ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इनके पास जो फिनोटाइप था वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो सम माइस आर ईटन बाई द बर्ड, माइस रिप्रोड्यूस गिविंग द नेक्स्ट जनरेशन, एंड हेंस वी विल हैव अ नेक्स्ट जनरेशन, जिसमें कि हमें यही दिख रहा है कि अभी फिलहाल के लिए एडवांटेजियस कैरेक्टर ये हो गया, एंड डिसएडवांटेजियस कैरेक्टर दैट इज लाइट कलर का कोट कलर हो गया। ओके, एक और जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं नेचुरल सिलेक्शन का, जिसमें कि हम देखते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का कंसेप्ट। तो हुआ ये था कि 19th सेंचुरी में जब दैट इज इंग्लैंड वाले एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो उससे पहले चीज़ें बहुत चेंज थी। उससे पहले इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हुआ करता था, पॉल्यूशन कम था, और जो ट्री का बार्क था वो बहुत ही लाइट कलर का हुआ करता था, जिसकी वजह से उस एरिया में रहने वाली दो टाइप की मौत थी, एक थी डार्क एक थी लाइट।
तो बर्ड आकर डार्क वाले मॉथ को पिक करके खा जाता था, बिकॉज जो बार्क का एरिया था वो बहुत लाइट कलर का था, तो वहां पे लाइट कलर के मॉथ जो थे वो कैमोफ्लाज हो जाते थे, लेकिन जो डार्क कलर के मॉथ थे वो कैमोफ्लाज नहीं हो पाते थे, मतलब ब्लेंड नहीं हो पाते थे, और हेंस बर्ड आकर उनको पिक करके चला जाता था, क्योंकि उनका कोट कलर जो है वो डिसएडवांटेजियस हो गया था, और वाइट कलर वालों का कोट कलर क्या था, एडवांटेजियस था, और डार्क कलर वालों का डिसएडवांटेजियस, मतलब कैरेक्टर तो वो है ही, लेकिन एक को एक लाइक एक मौत के लिए वो कैरेक्टर एडवांटेज दे रहा है, दूसरे को डिसएडवांटेज दे रहा है। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल मैनलिज्म हुआ, यानी बहुत सारी इंडस्ट्रीज का वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसकी वजह से वहाँ से जितना भी पॉल्यूटेड एयर निकलता था वो धीरे धीरे आके जो ट्री का बार्क था उस पर डिपॉजिट होने लगा, जिसकी वजह से उस एरिया के सारे लाइकेंस की डेथ हो गई, और ट्री का बार्क जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर का हो गया। हेंस वहाँ पर क्या देखा जाने लगा कि जो मौत का पहले सिलेक्शन हो जाता था, उन मौत को क्या किया जाता, सॉरी, जिन मौत को पहले किल कर दिया जाता था, अब वो मौत को अपना वही कोट कलर एडवांटेज हो गया, क्योंकि अभी जो बैकग्राउंड है जिसमें उनको ब्लेंड होना है वो डार्क हो चुका है, एंड हेंस वी कैन से कि अब इस इन्वायरमेंट में जो लाइट कलर का कोट कलर है वो डिसएडवांटेज कैरेक्टर हो गया, और जो डार्क कलर वाला है दैट विल बी द एडवांटेज। और आफ्टर सम टाइम जो बर्ड है अब वो लाइट कलर के मौत को पिक करके खाने लगा, बिकॉज इट इज़ अ प्रीडेटर, जिसको जो उसको दिखेगा ये उसी पे फीड करेगा। और 19th सेंचुरी तक देखा गया कि जो मेलेनिक फिनोटाइप था, मतलब जो सबसे ज़्यादा डार्क कलर वाला फिनोटाइप था, वो सबसे हाईएस्ट अमाउंट में वहाँ देखा जाने लगा, और लगभग जो है लाइट कलर वाला लगभग मतलब बहुत ज़्यादा ही वहाँ पर कम हो गया। एंड दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल सेलेक्शन। अगेन यहाँ पे क्या रूल अप्लाई होता है कि वेरिएशन पहले से ही था, राइट? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होता है कि वेरिएशन पहले से ही था, यानी दो कलर का कोट कलर देखा जा रहा था। सेकंड, कि जिसका सिलेक्शन हुआ उसने क्या किया, उसने दैट इज यहाँ पे डिफरेंशियल सर्वाइवल देखने को मिला, एंड हेंस द डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट ये देखने को मिला कि जो भी कैरेक्टर एडवांटेजियस था वो क्या हो गया, वो इनहेरिट हो रहा था, यानी न्यू ऑफस्प्रिंग में जा रहा था, तभी तो इतने सारे पॉपुलेशन बढ़ रही थी। जो कैरेक्टर पहले ब्लैक वाला कैरेक्टर पहले कितना कम था, अब देखिए कितना ज़्यादा हो गया, क्यों? क्योंकि ये नए नए ऑफस्प्रिंग में ये कैरेक्टर पास ऑन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास टाइप ऑफ इवोल्यूशन का, इवोल्यूशन क्या होता है। तो अगर सिंपल बेसिस पे देखा जाए तो इवोल्यूशन को हम एक हेरिटेबल चेंज कहते हैं, जो टाइम के साथ साथ देखा जाता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब इस इवोल्यूशन को करवाने के लिए बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, कोई भी ऐसे फैक्टर जो कि जेनेटिक लेवल पे लाइक चेंजेस करवाना जानते हैं वो दैट इज इवोल्यूशन कॉजिंग फैक्टर्स में गिने जा सकते हैं। लेकिन अगर हम टाइप की बात करते हैं तो यहाँ पर चला आता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट, को इवोल्यूशन, पैरेलल इवोल्यूशन, माइक्रो इवोल्यूशन, मैक्रो इवोल्यूशन। वन बाई वन अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या देखा जाता है कि मान लीजिए कि कोई एक पेरेंट है, दिस इज अ पेरेंट, इस पेरेंट से कुछ ऑर्गेनिज्म की जो है कैरेक्टर में डिफरेंसेस आ गए, जिसकी वजह से क्या हो गए, वो पेरेंट से डाइवर्ज होने लगे, ठीक है, पेरेंट से डाइवर्ज होना शुरू कर चुके हैं, और पेरेंट से डाइवर्जेंस के कारण हम कहते हैं इट इज़ अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। हम अक्सर कहते हैं कि इस टाइप का इवोल्यूशन मेनली स्पीसिएशन करवाता है, यानी नए स्पीसीज का फॉर्मेशन करवाता है, और दो लाइक अलग अलग एक ही ग्रुप से निकले हुए ऑर्गेनिज्म अलग अलग डायरेक्शन में इसलिए मूव करते हैं बिकॉज उनके बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, एंड हेंस वी कॉल इट एज अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होमोलोगस स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर? होमोलोगस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी के जो कि सिमिलर एंसेस्टर से जनरेट हुए हैं लेकिन आज के टाइम में फंक्शन अलग अलग करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो दैट इज लिम्स, ठीक है, हाथ। तो जो पेंटाडक्टाइल लिम्स होते हैं, चाहे आप वो कैट में देखिए, उसके अलावा बैट में, ठीक है, हम में देख लीजिए, दैट इज ह्यूमंस में देख लीजिए, इन सब में ये जो लिम्स होते हैं यानी हाथ जिसकी मैं बात कर रही हूँ, बर्ड्स बैट्स में आप देख सकते हैं, तो इन सब में ये जो लिम्स होते हैं ये आए हैं एक कॉमन एंसेस्टर से। लेकिन अगर हम इनका एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन इनके फंक्शंस डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो होमोलोगस ऑर्गन का फीचर क्या होता है कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होते हैं, बिकॉज जहाँ पे बैट का विंग्स उसको फ्लाई करने में हेल्प करेगा वहाँ पे ह्यूमंस का हैंड यानी फोर लिम्ब जो है
उसको नॉर्मल काम करने में हेल्प करेगा। तो फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं लेकिन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम होता है, इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन विल गिव राइज़ टू द होमोलोगस स्ट्रक्चर। सेकेंड आता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म में। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में हम मानते हैं कि ऑर्गेनिज्म सिंगल कॉमन एंसेस्टर से डेविएट हुआ है, जैसे कि यहाँ पे पी इज एक्टिंग एज अ एंसेस्टर। लेकिन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है, अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म में ये इवोल्यूशन देखा जाता है जिसमें कि सेम स्ट्रक्चर मिलता है, लेकिन ठीक है कन्वर्जिंग ऑन दी सेम स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज बेनिफिशियल एडेप्टेशन फॉर दैट एनवायरमेंट। तो देखा ये जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं वो अनरिलेटेड स्पीसीज होते हैं, उनके बीच में कॉमन एंसेस्टर नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी उनके बीच में सिमिलैरिटी इसलिए पाई जाती है बिकॉज वो एक ही एरिया में पाए जा रहे हैं, दैट मीन्स उनके ऊपर सिमिलर सिलेक्शन प्रेशर काम कर रहा है, और इसकी वजह से जो है वो ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं दे आर हैविंग अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि एक ही एरिया या एक ही सिलेक्शन प्रेशर से गुजरने के कारण उनके पास सिमिलर कैरेक्टर आ गए हैं। जैसे कि अगर नॉर्मल बेसिस पे कहा जाए तो बटरफ्लाई के विंग्स हो गया, ठीक है बटरफ्लाई का अपना एंसेस्टर अलग होता है लेकिन उसके पास भी विंग्स है, बैट का एंसेस्टर अलग होता है लेकिन उसके पास भी विंग्स है, तो दोनों के पास विंग्स हैं, विंग्स इज अ सिमिलर कैरेक्टर बट ऑल्दो दोनों के बीच में कॉमन एंसेस्टर नहीं है, तो हेंस वी कॉल इट एज अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बिकॉज दोनों का एक ही काम है दैट इज फ्लाई करना, और फ्लाई के लिए उनके पास विंग्स होना जरूरी होता है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में गिव राइज़ टू द एनालॉगस स्ट्रक्चर एंड द होमोप्लासी। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एनालॉगस स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। एनालॉगस स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, एनालॉगस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आप कह सकते हो कि एंसेस्टर में नहीं है लेकिन वो देखने को मिलते हैं, दैट इज जो ऑर्गेनिज्म कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं उनमें वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये होमोप्लासी को भी जनरेट कर सकता है। होमोप्लासी का मतलब होता है वो कैरेक्टर जो कि एंसेस्टर में नहीं है लेकिन नए ऑफस्प्रिंग में देखने को मिल सकता है। अगर हम एनालॉगस स्ट्रक्चर का एग्जांपल देखना चाहें तो यू कैन सी हियर कि ऑर्गेनिजम्स अलग अलग है, जैसे कि ये है बटरफ्लाई, इसका एंसेस्टर अलग है, और ये है बैट, इसका भी एंसेस्टर अलग है, लेकिन ये एनालॉगस सिमिलैरिटी शो करे, यानी दोनों के पास विंग्स है, एंड दैट इज वाई दिस विंग्स विल बी कॉल्ड एज अ एनालॉगस स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर एक अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप में देखने को मिल रहा है, इनके बीच में कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं देखा जाता है, ठीक है। लेकिन ये अलग अलग पॉइंट से आए हैं, बटरफ्लाई इधर से आए हैं एज वेल एज बैट की अगर हम बात करते हैं तो ये इधर से आया है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, एक ही जगह पे जाकर मिल जा रहे हैं, और वो कौन सी जगह है, दैट इज विंग्स वाला, क्योंकि इनके पास विंग्स की सिमिलैरिटी होती है। तो अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म में जब सिमिलर टाइप के फीचर्स चले आते हैं तो वेरी ऑब्वियस वहाँ पे जो कैरेक्टर होता है वो एनालॉगस कहलाता है, ठीक है। जैसे कि शार्क और वेल के बॉडी के ऊपर जो स्ट्रीम लाइन्स पाई जाती हैं, दोनों का एंसेस्टर अलग अलग है, एक अगर फिश कैटेगरी से है तो एक मैमल्स की कैटेगरी से है, लेकिन दोनों के एंसेस्टर अलग अलग होने के बावजूद दोनों की बॉडी के ऊपर स्ट्रीम लाइन्स पाई जाती हैं, और हेंस वो जो कैरेक्टर है क्योंकि उनको वाटर को रेजिस्ट करना पड़ता है वाटर में जब वो रहती हैं, तो वो कैरेक्टर उनके लिए कहलाता है, दैट इज एनालॉगस कैरेक्टर या एनालॉगस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है कोइवोल्यूशन। कोइवोल्यूशन का मतलब होता है साथ साथ में इवॉल्व करना। तो ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म है इकोसिस्टम में जो कि साथ साथ रहना पसंद करते हैं, और हेंस अगर साथ साथ रहते हैं तो उनके ऊपर जो एक इकोलॉजिकल रिलेशनशिप होता है वो बहुत डायरेक्टली डिपेंडेंसी का होता है। तो अगर ए और बी अगर एक साथ रह रहे हैं तो जितनी बार बी इवॉल्व होगा उतनी बार ए भी इवॉल्व होगा, यानी साथ साथ में हो रहे हैं तो को इवॉल्व हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हो गया प्रे प्रीडेटर के केस में को इवोल्यूशन देखा जाता है, पैरासाइट एंड होस्ट के केस में भी देखा जाता है, कॉम्पिटेटिव स्पीसीज म्यूचुअलिस्टिक स्पीसीज एंड पॉलिनेटर्स एंड प्लांट्स के बीच में को इवोल्यूशन देखा जाता है। फिर आता है पैरेलल इवोल्यूशन। पैरेलल इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो दो रिलेटेड स्पीसीज अराइज होती हैं कॉमन एंसेस्टर के थ्रू, जैसे कि मान लीजिए दिस इज अ पैरेलल इवोल्यूशन, दिस इज अ पेरेंट स्पीसीज, ओके। तो पेरेंट से ये स्पीसीज निकल कर गई, ये ए एरिया में गई, ये बी एरिया में गई, लेकिन सिमिलर सिलेक्शन प्रेशर होने के कारण दोनों अलग अलग एरिया में गई जरूर है, लेकिन आज बिकॉज दोनों के ऊपर सिलेक्शन प्रेशर सिमिलर है जिसकी वजह से दोनों के पास सेम टाइप के कैरेक्टर डेवलप हो गए हैं। तो कहने को ये अपने पेरेंट्स से डेविएट हुई हैं, लेकिन डेविएट होके भी कैरेक्टर को डिफरेंट नहीं कर पाई हैं क्योंकि इनके ऊपर सिलेक्शन प्रेशर जो है सिमिलर काम कर रहा है, यानी जो इनके पास रिस्पॉन्स है वो जिस एरिया में ये रह रही है उस एरिया का इकोसिस्टम लगभग सेम टू सेम है दोनों के लिए, एंड इसलिए दोनों के पास सिमिलर टाइप के कैरेक्टर देखे जाएंगे। इसे हम कहते हैं पैरेलल इवोल्यूशन बिकॉज
दैट इज़ रीसेंट कॉमन एंसेस्टर से डेविएट होने के बावजूद इन्होंने अपना कैरेक्टर ये अपना कैरेक्टर चेंज नहीं कर पाई हैं ड्यू टू द सिमिलर सेलेक्शन प्रेशर. मेक श्योर पैरल इवोल्यूशन में हम रीसेंट कॉमन एंसेस्टर को कंसिडर करते हैं, इसमें रीसेंट कॉमन एंसेस्टर पाया जाता है. तो पैरल में एंड कन्वर्जन में स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं. मेक श्योर कन्वर्जन में कॉमन एंसेस्टर का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, लेकिन पैरल में रीसेंट कॉमन एंसेस्टर का कंसेप्ट देखा जाता है. ऑल दो ये जो पोर्शन है दैट इज सेलेक्शन प्रेशर सेम होना, वो कंसेप्ट दोनों के लिए सेम है, दैट इज कन्वर्जन एंड पैरल के, लेकिन डिफरेंस कहाँ चला आता है एंसेस्टर के मामले में. नेक्स्ट आता है माइक्रो एंड मैक्रो इवोल्यूशन. माइक्रो इवोल्यूशन होता है स्पीसीज लेवल पे, ठीक है, लेकिन मैक्रो इवोल्यूशन होता है अबव द स्पीसीज लेवल, जैसे कि एक नई फैमिली का क्रिएट हो जाना, ठीक है. और माइक्रो इवोल्यूशन में मेनली स्पीसीज लेवल पे इवोल्यूशन देखा जाता है. रीजन क्या क्या हो सकते हैं इन सारे इवोल्यूशन के लिए? म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो या फिर माइग्रेशन जिसको कहते हैं, एज वेल एज नेचुरल सेलेक्शन. ये सब चीज़ें, ये सब फैक्टर्स हो सकते हैं माइक्रो या मैक्रो इवोल्यूशन करवाने के. ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन के मोड क्या क्या हो सकते हैं? तो नेचुरल सिलेक्शन को अगर देखा जाए तो तीन टाइप से नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट हो सकता है, डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग एंड डिसरप्टिव. तो डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? डायरेक्शनल का मतलब होता है नेचुरल सिलेक्शन का एक डायरेक्शन में मूव करना, जिसकी वजह से क्या होता है, आप देख सकते हैं दिस इज एन ओरिजिनल पॉपुलेशन. जो हमने इंडस्ट्रियल मैनलिज्म देखा था दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ द डायरेक्शनल सिलेक्शन. तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है आप मौत की देख सकते हो, पहले लाइट कलर वाली थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे इन्वायरमेंट थोड़ा बहुत चेंज हुआ, यानी आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस मौत का सिलेक्शन हुआ वो था डार्क कलर की मौत, एंड हेंस इस डायरेक्शन में जो है चेंज देखने को मिल गया, एंड वी कॉल इट एज अ डायरेक्शनल सिलेक्शन. अगर हम बात करते हैं फीचर्स की तो वेरी ऑब्वियस डायरेक्शनल सिलेक्शन इसलिए देखने को मिलता है बिकॉज इन्वायरमेंट में चेंज होता है. कोई एक एक्सट्रीम वैल्यू का सिलेक्शन होता है, मतलब जो एक्सट्रीम कैरेक्टर होते हैं यानी किनारे के कैरेक्टर, बिकॉज यहाँ भी क्या हो गया, एक्सट्रीम वैल्यू का एक सिलेक्शन हुआ है, दूसरे एक्सट्रीम का एलिमिनेशन हो गया. तो किसी एक एक्सट्रीम फिनोटाइप का यहाँ पे सिलेक्शन होता है. मीन वैल्यू चेंज जाती है, बिकॉज मीन वैल्यू की बात करें तो ओरिजिनल में मीन वैल्यू कहीं यहाँ पे थी, लेकिन न्यू पॉपुलेशन में मीन वैल्यू कहीं यहाँ पे चली आई है. तो यहाँ पे क्या होता है, दैट इज मीन वैल्यू चेंज हो जाती है. यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है नॉर्मल या फिर एवरेज इंडिविजुअल का, वही सेलेक्ट होता है जो कि इस एरिया में फिट होता है सर्वाइव करने के लिए. तो जो हमारा इंडस्ट्रियल मैनलिज्म एग्जांपल था दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ द डायरेक्शनल सेलेक्शन. ओके, डायरेक्शनल सिलेक्शन में आप देख सकते हैं जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे मूव करेगा. डायरेक्शनल सिलेक्शन ये रहा ओरिजिनल ग्राफ, डायरेक्शनल सिलेक्शन के बाद ये कुछ ऐसे चेंज रहेगा और यहाँ से आपको मीन वैल्यू देखने को मिल जाएगी. नेक्स्ट आता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या होता है, हमने डायरेक्शनल में देखा कि सिर्फ एक एक्सट्रीम का वैल्यू एलिमिनेट हो जा रहा था, स्टेबलाइजिंग में दोनों एक्सट्रीम के एलिमिनेट हो जाते हैं. जैसे कि अगर आप ये वाला ग्राफ देखना चाहें तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, जिसमें कि हम रॉबिन बर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं. रॉबिन बर्ड क्या करती है, जब भी उसे दैट इज एग देना होता है यानी अपने ऑफस्प्रिंग पैदा करने होते हैं, तो सिर्फ चार एग ले करती है, चार से ज़्यादा नहीं करती है. क्यों? क्योंकि अगर चार से ज़्यादा करेगी तो वो उनकी देखभाल नहीं कर पाएगी और उनको लाइक उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि उनको वो खाना नहीं खिला पाएगी पूरा, क्योंकि इसके पास सिर्फ चार को ही पाल पोस के बड़े करने के लिए कैपेबिलिटी होती है. और अगर चार से कम करती है तो देर इज़ अ हाइएस्ट पॉसिबिलिटी कि अगर कोई प्रीडेटर वगैरह आया और उसके सारे ऑफस्प्रिंग को वो खा गया तो उसके पास एक भी ऑफस्प्रिंग नहीं बचेगा. तो ना वो कम कर सकती है ना वो ज़्यादा कर सकती है, लेकिन जब चार रहते हैं तो अगर प्रीडेशन भी होता है तो देर इज़ अ हाइएस्ट चांसेस कि एक या दो बच जाएगा, लेकिन चार से ज़्यादा को करती है तो उनकी फिर वो देखभाल नहीं कर पाती है. तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि दोनों एक्सट्रीम वैरायटी यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहाँ से एलिमिनेट हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक एवरेज वैल्यू जो बीच वाली वैल्यू होती है उसका यहाँ पे सिलेक्शन होता है. तो हम कहते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट, दैट इज योर इंटरमीडिएट कैरेक्टर का यहाँ पे सिलेक्शन होता है. और ये सिलेक्शन क्यों होता है, बिकॉज जिस एरिया में ये सिलेक्शन ऑपरेट हो रहा है उस एरिया में यही सिलेक्शन या यही कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइवल के लिए. जैसे कि ह्यूमन का ह्यूमन बॉडी लाइक ह्यूमन बेबी का बर्थ वेट, उसमें भी यही होता है कि 2.5 kg से अगर ज़्यादा का बर्थ वेट है तो भी हेल्थ इशू शुरू हो जाते हैं अगर बेबीज़ की बात करें, और कम है तो फिर कोई ना कोई उसको भी प्रॉब्लम हो जाती है सर्वाइवल में. तो ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए. तो ये जो रॉबिन बर्ड का जो एग का
नॉर्मल नंबर है उसे हम बोलते हैं क्लच साइज ऑफ रॉबिन बर्ड. क्लच साइज का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग. ओके, तो ये था एग्जाम्पल स्टेबलाइजिंग सेलेक्शन का, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, एकदम स्टेबल रहेगी, एक एक्यूरेट वैल्यू पे रहेगी. ओके, यू कैन सी दिस इज अ बिफोर सेलेक्शन कंडीशन, और जब आफ्टर सेलेक्शन हो गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मीन वैल्यू चेंज नहीं हुई है. पहले भी मीन वैल्यू जो थी वही मीन वैल्यू एज इट इज यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन जिसका एलिमिनेशन हुआ है वो है ये वाला एरिया, इसका हो गया है एलिमिनेशन. ओके, लास्ट टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज द डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन. डिसरप्टिव में क्या देखा जाता है, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ स्टेबलाइजिंग. क्योंकि डिसरप्टिव में जैसे कि लाइक स्टेबलाइजिंग में हो रहा था कि एक्सट्रीम वैल्यू का एलिमिनेशन हो रहा था, डिसरप्टिव सिलेक्शन उस एरिया में देखा जाता है जहाँ पे जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर है सम हाउ इट इज नॉट एडवांटेजियस. ठीक है, और एक्सट्रीम कैरेक्टर जो होते हैं वो यहाँ पे एडवांटेज पाए जाते हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिसरप्टिव सेलेक्शन में दोनों एक्सट्रीम का दोनों एक्सट्रीम को फेवर कर दिया जाता है और इंटरमीडिएट वैरायटी का एलिमिनेशन हो जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रिटिश एरिया में जो स्नेल्स पाए जाते थे वो उनका जो ओवरऑल कोट कलर होता था वो ऐसा कोट कलर था कि दैट इज अगर उसके बॉडी पे बैंड्स रहते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता था, यानी जो बैंड्स वाले स्नेल्स थे उनका लगभग सिलेक्शन हो जाता था, और जो बहुत ज़्यादा वियर्ड टाइप के एंड बहुत डार्क बैंड वाले जो स्नेल्स थे उनका एलिमिनेशन हो जाता था. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं शेल का कलर, तो जिस एरिया में ये शेल पाए जाएंगे वेरी ऑब्वियस देखा ये जाएगा कि उस एरिया में ये वाला शेल का कलर एंड ये वाला शेल का कलर फेवर होगा, लेकिन इस शेल वाले ऑर्गेनिजम्स को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी ये वाला जो है दैट इज ये वाला पर्टिकुलर कैरेक्टर यानी इंटरमीडिएट कैरेक्टर, इसका एलिमिनेशन हो जाएगा. और बाद में ये ग्राफ का हमें कुछ बाई मोडल फॉर्म में देखने को मिलेगा, दो मोड देखने को मिलेंगे. सिमिलरली अगर आप एक और एग्जाम्पल में देखना चाहें तो यू कैन सी हियर कि स्टार्टिंग में ये देखा गया था कि इस पर्टिकुलर हिमालय वाले एरिया में व्हाइट कलर का रैबिट था, ब्लैक एंड ग्रे आप मान सकते हो. ठीक है, जिसमें से टाइम के साथ साथ इस व्हाइट वाले का एलिमिनेशन हो जाएगा, और ये एलिमिनेशन इसलिए होगा बिकॉज ये एक हिमालयन एरिया में पाए जाने वाले रैबिट हैं. हिमालयन एरिया का मेनली अगर आप दैट इज अगर ज्योग्राफिक रेंज देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर में नजर आता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ये जो दो दैट इज एक्सट्रीम वैल्यू में जो यहाँ पे रैबिट है वो वहाँ पे कैमोफ्लाज हो जाएंगे, जो लेकिन जो सबसे लाइट कलर का रहेगा वो वहाँ पे प्रीडेशन के थ्रू मारा जाएगा. एंड हेंस क्या हो जाएगा, मान लीजिए और ये जो लाइट कलर वाला जो मारा जा रहा है वो एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर को शो कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ से इंटरमीडिएट का एलिमिनेशन हो जाएगा और दो एक्सट्रीम वैल्यू का सिलेक्शन हो जाएगा, और इसे हम कहते हैं दैट इज डिसरप्टिव सिलेक्शन. ये केस आपको दैट इज योर पैपिलियो डेडनस नाम के फ्लाई में भी देखने को मिलता है. इट इज ऑल्सो अ केस स्टडी रिगार्डिंग द डिसरप्टिव सिलेक्शन. ओके, सो दिस इज अ पिक्चर जिसको कि आप कंसिडर कर सकते हो कि डिसरप्टिव सिलेक्शन कैसे चल रहा है, जिसमें इनका सिलेक्शन हो रहा है और इसका एलिमिनेशन हो जा रहा है. राइट, ओके, अगर मैं आपको थोड़ा सा समरी बेसिस पे समझाना चाहूँ तो हम कुछ समरी बेसिस पे ले सकते हैं. जैसे कि हमने बात किया डायरेक्शनल के केस में क्या हो रखा था, डायरेक्शनल के केस में सीधी सी बात थी, पहले एक कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा था. ठीक है, एंड आफ्टर दैट आफ्टर जो सिलेक्शन था वो ये था कि पहले वाला एज इट इज है. ठीक है, एंड जो सेकंड कैरेक्टर है ये कुछ ऐसे हो जा रहा था. ओके, तो दिस इज मूविंग इन अ डायरेक्शन, दैट इज व्हाट कॉल्ड द डायरेक्शनल सिलेक्शन. सेकंड की अगर हम बात करते हैं दैट वाज अ स्टेबलाइजिंग, ऊपर वाले में सिर्फ एक एक्सट्रीम वैल्यू का सिलेक्शन हो रहा था. स्टेबलाइजिंग में क्या होता है, ये एक कैरेक्टर है. ठीक है, एंड अगर आफ्टर की बात करते हैं तो ओरिजिनल कैरेक्टर तो एज इट इज ही रह जाएगा, जो न्यू कैरेक्टर फॉर्म होगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा. ओके, तो ये वाला एरिया एलिमिनेटेड, ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये सेलेक्ट हो जाएगा. सिमिलरली जैसे कि यहां पे ये था, ये एक्सट्रीम सेलेक्ट हो गया था और ये वाला जो पोर्शन था वो एलिमिनेट हो गया था.
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज द डिसरप्टिव के बारे में, डिसरप्टिव में ये देखा गया कि ये रहा एक नॉर्मल ग्राफ, किसी भी कैरेक्टर का आप ले सकते हैं, ठीक है। आफ्टर सिलेक्शन ये सबसे यूनिक टाइप का था कि ये तो रहा नॉर्मल ही, लेकिन जो हमारे पास सिलेक्शन के बाद आया वो कुछ ऐसे आया। ओके, तो ये हो गया एलिमिनेट, ये हो गया सेलेक्ट। ओके, तो इस ढंग से आपको बहुत से एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि डायरेक्शनल सिलेक्शन में आपने इंडस्ट्रियल मैलिनिज्म की कहानी देख ली, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दैट इज योर ड्रग रेजिस्टेंस, ड्रग रेजिस्टेंस, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म ड्रग रेजिस्टेंस शो करता है तो वो एक डायरेक्शनल सिलेक्शन ही शो कर रहा होता है। और इस बेसिस पे हम अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। स्टेबलाइजिंग में आप हीमोफीलिया का कंसेप्ट ले सकते हैं, ठीक है, हीमोफीलिया का कंसेप्ट ले सकते हैं। वहाँ भी जो है इंडिविजुअल जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में होते हैं वो फायदेमंद होते हैं। जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में नहीं, जो वाइल्ड टाइप है, उनका मलेरिया की वजह से डेथ हो जाता है, और जो हीमोफीलिया से सफ़र करते हैं उनका हीमोफीलिया से दैट इज डेथ हो जाता है। लेकिन जो इंटरमीडिएट होते हैं वो ना मलेरिया से सफ़र करते हैं और ना ही वो हीमोफीलिया से सफ़र करते हैं। तो इस ढंग से आप स्टेबलाइजिंग एंड डायरेक्शनल का कुछ कुछ यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे जो डिस्ट्रप्टिव का एग्जांपल हो जाएगा वो कुछ ब्रिटिश स्नेल हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तीन टाइप के स्नेल पाए जाते हैं। एक ऐसे स्नेल होते हैं जो रोड साइड में पाए जाते हैं, और एक ऐसे स्नेल होते हैं जो फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं। तो रोड साइड वाले स्नेल रोड साइड में दैट इज कैमोफ्लाज हो जाते हैं, फॉरेस्ट वाले फॉरेस्ट एरिया में हो जाते हैं। लेकिन जो इंटरमीडिएट स्नेल रह जाते हैं उनको जो है प्रीडेटर पिक कर करके उनका एलिमिनेशन कर देते हैं। तो इसके साथ हमने कर लिया दैट इज योर नेचुरल सिलेक्शन।